हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं एमआरएफ के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 9th नवंबर 2022 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट कर पाओगे। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले एमआरएफ में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन मतलब मंडे के दिन स्टॉक में हमें 4% का एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिला। 94,900 के आसपास स्टॉक हमारा जो है क्लोज भी हुआ है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, डेज रेंज 96,000 का हाई था, तो 52 के रेंज का हाई भी 96,000 था। इसका मतलब स्टॉक अपना न्यू 52 हाई जो यहाँ पे बनाया जा रहा है और यहाँ पे स्टॉक में बढ़िया जो मूवमेंट हमें देखने मिल रहा है। बाकी आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या हो सकता है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वन डे के चार्ट में हम बात करेंगे आने वाले दिनों में हमें क्या देखने वाला, साथ ही साथ यहाँ पे आपका कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे मंडे के क्लोजिंग के बेसिस पे वेडनेसडे को हमें क्या लगता है स्टॉक में क्या हो सकता है जरूर हमारा एक ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए बिना समय को सीधा हम जाते हैं वन डे के चार्ट में, बात करते हैं आने वाले दिनों में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज सा हमें वॉल्यूम एक तरह से देखने मिला। कैंडल जरूर एक लार्ज साइज की बनी, ऊपर के साइड थोड़ी सी बड़ी, नीचे के साइड में छोटी सी हमें विक जो है देखने मिल रही है। बात अगर मैं करूँ आरएसआई की, आरएसआई हमारे 79-80 के आसपास जो आ चुका जो हमें यहाँ पे जरूरी नेगेटिव मूवमेंट का जो इशारा देता है। लेकिन याद रखना आरएसआई हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो किसी भी स्टॉक को जो मूवमेंट देते हैं हमें जो है उसे जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। अब रही बात मेरे ओपिनियन की स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में मेरा ओपिनियन यहाँ पे जरूर जो है एक नेगेटिव मोमेंट का चांसेस है कि यहाँ पे हमें स्टॉक में सबसे पहले डाउनसाइड 94,000 के आसपास देखने वाला है। उसको भी क्रॉस करते गया तो स्टॉक में इजिली डाउनसाइड 91,950 के आसपास देखने मिल जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉक में कॉशियसली काम करें। स्टॉक ऑलरेडी 20 MA से बहुत ज्यादा दूर हो चुका है, तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन हमें जरूर देखने मिलेगा। बाकी अगर यहाँ पे जो है आपको ट्रेड लेना है तो कोई भी यहाँ पे जितना हो सके इंट्राडे में जो है आप सिर्फ और सिर्फ बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। क्यों? क्योंकि वहीं पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो आपके फेवर में होगा वहीं पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी जो देखने मिलेगी। बाकी आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए जो बता देता हूँ क्या लेवल्स है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको कोई भी बाइंग करनी है तो स्टॉक कभी भी 888-340 के आसपास है जरूर आप वहाँ पे बाइंग करें। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे आपको 5-8% का इजिली जो रिटर्न देखने मिल जाएगा, समझ लो 10 से 15 दिन के अंदर भी आपको देखने मिल जाएगा एमआरएफ में। बाकी यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको कोई भी जो है पोजीशन लेना है तो लॉन्ग टर्म के लिए करंट प्राइस में आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। स्टॉक को यहाँ पे भले 2 या 3 महीने लगे लेकिन आप वेट करें, 80,000 के आसपास है वहां पे आप जरूर जो बाइंग कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे जो है आपका लॉन्ग टर्म के लिए एवरेज प्राइस हो जाएगा। प्लस यहाँ पे जो है अगर मैं ऑलरेडी होल्ड किया तो जैसे कि मैंने आपको कहा एवरेजिंग भी जो है अच्छी हो जाएगी और यहाँ पे लेवल भी अच्छा है यहाँ पे बाइंग करने के लिए, वहां से आपको मूवमेंट भी जो देखने मिल जाएगा। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में आपका जो है पोर्टफोलियो भी नेगेटिव में नहीं जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आपको देखने मिलेगा। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बता देना। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया, आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो है ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे फोर स्टॉक्स जो एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में, बात करते हैं यहाँ पे हमें कल के दिन मतलब वेडनेसडे के दिन क्या देखने मिलने वाला। तो ये रहा हमारा 1 आवर का चार्ट। ऑलरेडी यहाँ पे जो नीचे के साइड में सपोर्ट जोन मार्क है, लेकिन क्योंकि स्टॉक ने अपना न्यू 52 हाई जो है बनाया तो इस रेंज में हमने कोई भी जो है हमारा एनालाइज नहीं किया। तो जरूर जो है यहाँ पे मैं एनालाइज ये जो है मार्किंग जो है वो मैं कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे हम जो है एक्स्ट्रा मार्किंग भी ऊपर के साइड में जरूर कर लेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा 1 आवर के चार्ट में बीच में थोड़ा सा ज्यादा गैप है तो हम 15 मिनट्स का एक चार्ट भी जो ओपन करके रख देते हैं ताकि यहाँ पे अगर डेटा कोई है तो यहाँ पे देखने मिले। तो यहाँ पे 15 मिनट्स के चार्ट में भी कोई डेटा नहीं है, यहाँ पे 5 मिनट्स के चार्ट में डेटा देखने मिले तो वो हम मार्क करेंगे, वहां पे भी नहीं है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा गैप डाउन भी है, यहाँ पे अगर स्टॉक गिरा तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया जो है बड़ा जो है डाउनसाइड आते हुए देखने मिल जाएगा। ऊपर के साइड में मैं जो है यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर जो है यहाँ पे मार्क करता हूँ, मैं यहाँ पे 500 का जो है यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर जो है मार्क करके रखता हूँ। तो 36,536 के आसपास ऑलरेडी है, तो यहाँ पे मैं 36,500 के आसपास का जो यहाँ पे मार्किंग जो है करके रख देता हूँ। तो यहाँ पे
ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जितना हमें वेनेसडे के लिए चाहिए उतना ही मैं मार्क कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं बात करेंगे इसके क्लोजिंग की। तो क्लोजिंग की अगर मैं यहाँ पे अब बात करूँ तो क्लोजिंग हमारी हुई है 94.817 के आसपास। डायरेक्ट सपोर्ट आता है 94.612 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 95.251 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको जो है वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए यहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया जरूर जब उस वीडियो को देख ले, वहां पे हमने किस तरह से आपको कंफर्मेशन कैंडल देखनी है, किस तरह से यहाँ पे अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करते हुए चलना है, साथ ही साथ इंट्रा डे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए आप किस तरह से इंट्रा डे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको समझाया है। तो जरूर जब उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रीजन यहाँ पे क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस, वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट क्या अगला सपोर्ट आया था 93.289 का, उसके बाद क्या था 92.789 का। तो बहुत ही बढ़िया डाउनसाइड है यहाँ पे। डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 95.936 का, उसके बाद क्या था 96.500 का, जो एक साइकोलॉजिकल नंबर जो है मार्क किया है। बाकी आप यहाँ पे जो है अब बात करूं मैं जो भी हमने दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस बताया उसी को आप कंसिडर में रखते हो अपना यहाँ पे वेनेसडे के दिन का मतलब कल के दिन का जो ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, स्टॉक में मंडे के क्लोजिंग के बेसिस पे वेनेसडे के लिए कहूं तो मेरा ओपिनियन स्टॉक में जरूर एक नेगेटिव क्लोजिंग है, एक्सपेक्टेशन भी डाउनसाइड के प्लस 93.289 के रेंज में से जो है हमें देखने मिलेगा 94.612 से लेके 93.289 के आसपास। बाकी साइकोलॉजिकल नंबर जो है यहाँ पे जरूर आप यूज करें क्योंकि यहाँ पे क्योंकि स्टॉक के बीच में जो कोई भी यहाँ पे हमारा डेटा नहीं बना है तो हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल नंबर को बिल्कुल यहाँ पे जो कंसीडर करेंगे। तो 94,000 का यहाँ पे एक बढ़िया साइकोलॉजिकल नंबर आता है और एक यहाँ पे 93,500 का जो है यहाँ पे आता है। तो ये दो जो है हमें 94,000 93,500 को जो जरूर कंसीडर करना है यहाँ पे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल है साइकोलॉजिकल। तो यहाँ पे हमें जो है बाइंग और सेलिंग दोनों जो है यहाँ पे ज्यादा देखने मिलती है और इस रेंज में अगर कभी स्टॉक जो डाउन साइड में आया तो पुल बैक में यहाँ पे सेलिंग भी जो है ज्यादा देखने मिल जाएगी। तो थोड़ा सा कॉशियली काम करें, बाकी इस रेंज में हमारी एक्सपेक्टेशन जरूर है क्लोजिंग की। आपको क्या लगता है स्टॉक में यहाँ पे वेनेसडे के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।